नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारी फिंच का बच्चा जो है वो सेल्फ कितने दिन में होता है। तो जिन जो भी भाई अभी तक फिंच रखे हुए हैं, जिन भाइयों को नहीं पता कि फिंच का बच्चा सेल्फ कितने दिन में होता है, तो वो भाई वीडियो के साथ जो है लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भाई लोग फिंच बर्ड को रखे हुए हैं और ये गाइस फिंच जो है वो नेस्टिंग बनाती है, यानी कि एक घोंसला बनाती है, घोंसला तैयार करती है, फिर उसके अंदर ये फिंच जो है अंडे देती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फिर अंडे में से जो बच्चा निकलता है वो गाइस 15 से 16वें दिन में अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। और बच्चा बाहर आने के बाद में फिर उसी दिन से 20 से 22 दिन में बच्चा जो है मटकी से भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना गाइस। तो फिंच का जो प्रोसेस रहता है वो गाइस काफ़ी कम दिन का रहता है। काफ़ी अच्छी तरीके से फिंच जो अपने बच्चों को पालती हैं और गाइस इन फिंच को नेस्टिंग बनाना यानी कि घोंसला बनाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं बता दूं कि फिंच का जो बच्चे रहते हैं तो वो गाइस मटकी में से तो बाहर आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, मटकी में से बच्चे बाहर आ गए वो बच्चों को तुरंत अलग कर देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। पर ऐसा भाई कौन लोग करते हैं जो भाई न्यू होते हैं बर्ड्स पालने में, फिंच को उन्होंने अभी रखा है तो वो फिंच के बच्चे जैसे ही बाहर आ जाते हैं वो फिंच के बच्चों को तुरंत से ही अलग कर देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। तो आप लोगों को जो है पहले नोटिस करना है कि आपके फिंच के बच्चे सेल्फ हुए हैं या नहीं, यानी कि वो खुद से खा पा रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है फिंच के बच्चों को अलग कर दें और वो दाना नहीं उठा पा रहे, वो दाने को नहीं खा पा रहे। तो गाइस फिंच के बच्चे जो है आप अलग करोगे तो अलग केज में गाइस भूखे जो है वो मर जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको जो फिंच के बच्चे अलग करने हैं वो कितने दिन में करने हैं। तो गाइस जब फिंच का बच्चा मटकी के अंदर बड़ा होता है तो वो गाइस 22 दिन में काफ़ी अच्छा बड़ा हो जाता है, काफ़ी अच्छी उसकी हेल्थ हो जाती है, यानी कि 20 से 22 दिन में वो मटकी से बाहर आ जाता है बच्चा। तो अब मैं आपको बताऊं 20 से 22 दिन में जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको गाइस 3 से 4 दिन लगते हैं सेल्फ होने में, ठीक है ना। तो 22 दिन मान लेते हैं, 22 दिन में मटकी में से बच्चा बाहर आ गया तो हम 4 दिन मान लेते हैं, यानी कि 22 और 4 ये 26 दिन हो गए गाइस। तो 26 दिन के में बच्चा जो है अच्छे से सेल्फ हो जाता है और आपको 1-2 दिन का समय और दे देना है, यानी कि आपको टोटल 30 दिन फिंच के बच्चों को देने हैं और उसके बाद में आप अपने फिंच के बच्चों को आराम से अलग कर सकते हो और वो अच्छे से सेल्फ भी हो चुके होंगे, ठीक है ना गाइस। तो अगर आप लोगों को फिंच के बच्चे जल्दी से अलग करने हैं तो गाइस आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी होंगी। कुछ चीज़ें क्या हैं कि आपको ये चेक करना है कि फिंच के जो चीक्स हैं वो सीड मिक्स में मुंह मार रहे हैं या नहीं, यानी कि खुद से दाना खा रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है बस फिंच के बच्चों को वैसे ही दाने में मुंह मारते हुए देख लो और आप अलग कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो आप लोगों को जो बच्चे अलग करने हैं वो गाइस कम से कम 28 से 30 दिन में फिंच के बच्चों को अलग करना है आपको फिंच से, ठीक है ना। अगर आप तुरंत से अलग कर दोगे तो वो आपके बच्चे जो कुछ भी नहीं खा पाएंगे और भूखे मर भी जाएंगे, ठीक है ना गाइस। तो यही थी आज की ये वीडियो और उम्मीद करूँगा कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।